सर्दियों के हवाले से बात हो ही रही है तो इस साल शहर कराची में जो है वो सर्दियां फिलहाल अभी तक नहीं आई हैं। नवंबर का आधा महीना गुजर चुका है, इन दिनों जो है वो शहर कराची में रातें काफ़ी हद तक ठंडी हो जाती हैं, एसी का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, एसी बहुत सारे लोगों में घरों में जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन इस साल थ्रू आउट गैर मामूली गर्मी का जो सीज़न है वो शहर कराची वालों ने जून जुलाई में भी देखा और ये जो सिलसिला है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी जारी है। लेकिन शहर कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि नवंबर के पिछले दो हफ्तों से जो गैर मामूली या मामूल से ज़्यादा दो दर्जे हरारत है दिन और रात के औकात में, उसमें 18 तारीख के बाद से जो है वो कमी आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, ये काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जबकि शहर कराची में 17-18 तारीख नवंबर के बाद से जो है वो रातें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक यानी कि 17.5-18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तहम दिन के जो दर्जे हरारत हैं वो अगले हफ्ता 10 दिन तक मामूल से ज़्यादा ही रहेंगे, यानी कि इनकी जो रेंज है वो 32 से 34 डिग्री के दरमियान ही रहेगी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में कहीं जाके जो है वो शहर कराची में हल्की फुल्की जो एक प्लेजेंट मौसम होता है, जो हल्की फुल्की जो ठंड का एहसास होता है रात के औकात में खसूसी तौर पर, वो फील होना शुरू होगा। जबकि शहर कराची में जो प्रॉपर सर्दियों का सीजन है वो दिसंबर के वस्त में ही जाके कहीं शुरू हो सकता है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।